पहले सब लोग गांव में कितने मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन ये जगदीश राज जब से इस गांव में आया है सारे लोगों को परेशान कर रखा है। और वैसे भी अब तो मैं पंचायत की सदस्य बन चुकी हूँ, गांव की सारी जमीन आपके नाम करवा दूंगी। यही परेशानी है तुम्हारी, तुमको चुनाव लड़वाया था कि तुम सरपंच बन जाओगी, और रंजीत की बेवकूफी से सारे किए कराए पे पानी फिर गया। सपने में भी नहीं सोच सकता माधव भाई के साथ वो लोग ऐसी हरकत करेंगे। उस रंजीत ने माधव भाई पे लाठी बरसाकर अच्छा नहीं किया, सती भाभी की बद्दुआ उसे जरूर लगेगी। मन तो कर रहा है सुरेमा चाचा कि सारे गांव वालों को इकट्ठा करके जगदीश राज और रंजीत को उनके घर से बाहर लेके आओ और उन्हें खूब मारू पीटू। जब उनके ऊपर लाठियां बरसेंगी तब उन्हें पता चलेगा कि दूसरों के ऊपर लाठियां बरसाने में कितना मजा आता है। जब उनके हाथ पैर टूटेंगे तब उन्हें दर्द का एहसास होगा। मुझसे तो बसंती भाभी का चेहरा तक नहीं देखा जा, बेचारी कितनी रो रही थी, एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों छीनने का काम किया है जगदीश राज और रंजीत राज। आखिर क्या बिगाड़ा है माधव भाई ने किसी का? अगर इनकी इच्छा है जमीन नहीं बेचने की तो ना बेचे, जब किसान किसानी करने में खुश है तो वे लोग लालच क्यों दे रहे हैं मॉल बनाने और बिल्डिंग बनाने की? अगर उनकी इच्छा नहीं है जमीन बेचने की तो वो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? वो अपना प्रोजेक्ट कहीं और ले जाएं। जब किसान किसानी करने में खुश है तो वे लोग लालच क्यों दे रहे हैं इन्हें मॉल बनाने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए? यही तो उनकी चाल है, वो जानते हैं कि किसानों की जमीन एक बार वो ले लेंगे तो किसान बर्बाद हो जाएं, और फिर उसके बाद वो जगदीश राज की गुलामी करने के लिए उसके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। या तो वो फिर शहर में जाके मजदूरी करेगा, शहर में उसका भाई कुमार तो बैठा ही हुआ जो गरीब किसानों का शोषण करे, और उसे तो इसमें महारत हासिल। पिछली बार माधव भाई की उसने दिल्ली में बुलाकर क्या दुर्गति की थी बात तो माधव भाई भी अच्छी तरह जानते। मुझे तो लगता है सुलेमान चाचा कि ये उसी का बदला ले रहे हैं। जगदीश राज जानता है कि माधव एक मजबूत किसान है, अगर वो माधव को तोड़ देगा तो गांव के सारे किसान टूट जाएंगे। अच्छा बेटा, जगदीश राज ने बहुत बड़ा दाव खेला, वो जानता है दामनी इस गांव की सरपंच है और उसके कंधों के ऊपर इस गंगापुर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो चाहता है कि दामनी इन सब मामलों में उलझकर अपने विकास कार्यों पर ध्यान ना दे पाए, और उसके बाद वो जनता की सहानुभूति उठाकर दामनी के खिलाफ षड्यंत्र करके उसकी बदनामी करता फिरेगा कि देखो तुम लोगों ने किसे सरपंच बनाया है। अगर रंजीत को चुनाव जिताया होता तो इस गांव को स्वर्ग बना देता, पर तुम तो जानते हो बेटा कि गांव के भोले भाले किसानों को बहलाना फुसलाना ये जगदीश राज के बाएं हाथ का खेल। मैं वादा करता हूं सुलेमान चाचा, गंगापुर की जनता ने दामनी पर जो भरोसा और विश्वास जताया है मैं उस भरोसे और विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। जगदीश राज चाहे जितने भी कांटे क्यों ना बिछा ले दामनी की राह, दामनी उन कांटों को आसानी से पार कर जाएगी। मैं वादा करता हूं सुलेमान चाचा, मैं दामनी के भरोसे और विश्वास को कभी झुकने नहीं दूंगा। अजय बेटा, मुझे पूरा विश्वास है इस गंगापुर गांव अब किसानों के साथ न्याय होगा। अजय बेटा, एक काम करते हैं, इस संबंध में हम लोग चल के दामनी से भी एक बार बात कर लेते हैं, वो जैसा कहेगी वैसे ही आगे करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं सुलेमान चाचा, मैं भी दामनी का ही राह देखूं, मैं भी चाहता हूं कि उसको सब कुछ बता दूं। ये लीजिए दामनी का ही फोन। हेलो दामनी, हाँ ओके, तुम शाम को फ्री हो पाओगे? ठीक है, फिर मैं शाम को ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ओके बाय। दामनी ब्लॉक पे, वो बिजी है काम को लेकर, उसने कहा कि उसको आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है बेटा, हम लोग सामने उसके घर पे चलते हैं।
वहीं बात कर लेंगे। सुलेमान चाचा आइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, मुझे घर के सामने वाले खेत पे भी जाना है, रसीदा वहीं पे होगी, तुम अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है सुलेमान चाचा। जगदीश राज और रंजीत को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, हम इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ने वाले। आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हैं? क्या हम यहां मारपीट करने आए थे? आपको ऐसे नहीं लगता कि आप अपने रास्ते से भटक गए हैं? अरे बनाने तो आए थे शॉपिंग मॉल, लेकिन बन रहे हैं केस और मुकदमे। गांव वालों के बीच कैसी रेपुटेशन बन गई हमारी? सारा दोष मेरा है क्या? मैं तो आया था अपना मॉल बनाने के लिए। ये मेरे काम में अड़ेंगे बाजी कौन कर रहा है? ये गांव वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि मॉल बनने से उनको कितने लोगों को जॉब मिलेगी, वो सब के सब उस अरविंद और दामिनी के बहकाव में आकर मेरा विरोध कर रहे हैं। कोई बात तो जरूर होगी ना जो गांव वाले उस दामिनी का साथ देकर आपका विरोध कर रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तानियों की कमियां हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, ना हम खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरे को आगे बढ़ने देते हैं। कुछ कमियां तो आप में भी रही होंगी। अरे एक बार मॉल बनाने से पहले हमें उन लोगों से पूछ लेना चाहिए था जिनकी जमीन हमें मॉल के लिए चाहिए थी। उस हुकुम सिंह ने मुझसे कहा था कि मुझे उसकी सबसे बात हो चुकी है जमीन के मामले में। वो आदमी विश्वास के लायक ही नहीं है, उसको आता है तो केवल षड्यंत्र रचना। उसने ना तो किसी गांव वाले से बात की और उनके साथ साथ आपको भी परेशान किया, अब जमीन क्यों नहीं दिला रहा? वो तो कह रहा है कि जो जमीन ना दे उसकी फर्जी रजिस्ट्री करवा लेते हैं, पेपर बनवा लेते हैं और ये मुकदमे लड़ते रहेंगे। ये भिखमंगे लोग कितने दिन लड़ेंगे? मारपीट के साथ धोखाधड़ी और 420 का केस भी लड़ना चाहते हैं क्या आप? मेरा बस चले ना तो उस हुकुम सिंह को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं मैं। वो आपका दोस्त नहीं दुश्मन है, दुश्मन, उससे आप दूर ही रहिए। मुझे उसके साथ रिश्तेदारी नहीं करनी है, बस मॉल बन जाए फिर अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मॉल बन जाए तब ना। मॉल तो बनकर रहेगा दीदी, चाहे उसके लिए मुझे मर्डर भी करना पड़े तो करूंगा। लगता है तेरी किस्मत अब जेल में ही लिखी है। अरे दीदी आजकल जेल में बड़े बड़े रसूखदार लोग अपना अड्डा जमाए बैठे हैं, उनका सारा साम्राज्य वहीं से चलता है। एक तरह से वो सबसे ज्यादा वहां सुरक्षित भी हैं और जेल में बैठकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं। इसका मतलब तूने जेल जाने का पक्का मन बना लिया है। अरे मेरे रहते हुए मेरे साले को कौन जेल भेज सकता है? इसका मन आप ही ने बढ़ाया है। अरे आज माधव को पीट कर आया, कल अजय और दामिनी को पीटेगा, इसका तो दिमाग ही नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, क्या करने जा रहा हूं कुछ सोच ही नहीं पाता है। अरे दीदी मैं अपने जीजा जी के लिए प्रभु हनुमान जैसा हूँ, सोचने का काम इनका है, मेरा काम तो जो ये कहें उसको बस पूरा करना है। देखा, तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा वफादार है, तुम तो हर बात में मेरा विरोध करती रहती हो, ये जीजा भक्त हर आदेश मेरा आंख मूंद कर मार लेता है। तुम जीजा साले के बीच में झगड़ा लगा रही हो? अरे जीजा जी, दीदी क्या स्वयं नारद जी भी आ जाना तो हम जीजा साले के बीच झगड़ा नहीं लगा सकते। अरे दीदी मैं तो आपकी तरफ ही हूं, वो तो जीजा जी की तरफ थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है ना। ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें एक तरफ की वफादारी साबित करनी पड़ेगी। ये मेरा भाई है,
आपका साथ क्यों देगा? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे जहाँ मेरे दीदी और जीजा जी रहेंगे मैं भी तो वहीं रहूंगा ना, मैं अपनी दीदी से अलग कैसे हो सकता हूँ? दोनों तरफ रहना चाहता है तू? खैर कोई बात नहीं, तू अपने जीजा की बात तो कभी नहीं काट सकता। हाँ वो तो है, इसीलिए कह रही हूँ कि इसको मारपीट से दूर रखिए। क्यों उसे जेल भेजना चाहते हैं आप? मैंने इसको मारपीट के लिए नहीं भेजा था। हाँ दीदी, अरे वो तो मुझे माधव की बात पे गुस्सा आ गया तो मैंने उसे मार दिया। आज के बाद तो किसी से मारपीट नहीं करेगा। मेरी दीदी मुझे गांधी जी का पाठ पढ़ा रही है कि कोई तेरे एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। अरे ऐसा कहाँ होता है, मैं तो उसका हाथ ही काट डालूं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं दीदी, मैं ये सोच रहा था कि कुछ भी हो मुझे अपनी दीदी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। शाबाश मेरे भाई, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। शेर को साग खाने का मंत्र दे रही है ये। नहीं तो गांव वालों के मन में एक डर बैठ जाएगा और तब हमें उन्हें एकजुट करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो अजय, हम सबको किसानों से मिलकर उन्हें ये भरोसा दिलाना होगा कि हम सब उनके साथ हैं और हर हाल में उनके साथ रहेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्या रंजीत ने माधव भैया को मारा है? हाँ तामनी बेटा, रंजीत ने माधव को मारा है और वो भी इसलिए मारा है कि माधव भाई ने अपनी जमीन रंजीत को देने से मना कर दिया था। लेकिन सुलेमान चाचा, जब जमीन माधव भैया की है तो मर्जी भी उन्हीं की है ना कि वो जमीन दे या ना दे, इसमें जोर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसने माधव भाई जैसे भोले भाले आदमी पर हाथ उठाया। कोई अपने फायदे के लिए कुछ भी करेगा। दामिनी, हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो गांव वालों के मन में एक डर बैठ जाएगा और तब हमें उन्हें एकजुट करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो अजय, हम सबको किसानों से मिलकर उन्हें ये भरोसा दिलाना होगा कि हम सब उनके साथ हैं और हर हाल में उनके साथ रहेंगे। रंजीत ने जो आज कदम उठाया है ना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो गंगापुर की अमन और शांति छीनने आया है। हमें रंजीत को सबक सिखाना ही होगा। उस जगदीश राज को घमंड है कि वो जो करेगा उसे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो नहीं जानता कि अब गंगापुर में उन्हें रोकने वाला आ चुका है। अब जगदीश राज हो चाहे हुकुम सिंह, अब उनकी दाल नहीं गलने वाली। बहुत बर्बाद कर लिया उसने गंगापुर, लेकिन अब इस गंगापुर को आबाद करने का समय आ चुका है। हम सब कल सुबह चल के बिल्डर जगदीश राज को बताएंगे रंजीत के घिनौनी हरकत के बारे में। इसके बाद भी अगर उसने उसके ऊपर लगाम नहीं कसी ना, तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। दीदी, लड़की को अबला नहीं झांसी की रानी बनाओ। अरे कमजोरी से कभी किसी का फायदा हुआ है क्या? झांसी की रानी बनाओ तो वो दामिनी भी तो यही सब कर रही है, तो फिर तुम लोग क्यों परेशान हो? ओ ये दामिनी 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 का रट्टा लगाए रखते हो तुम लोग। गांव
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सोचा था सब काम आसानी से निपट जाएगा, मगर यहाँ तो सब उलझता ही जा रहा है। लोग कहते हैं कि गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, लेकिन इन्हें देखकर तो मानो ऐसे लगता हो जैसे किसी राजनेता से कम ना हुई। गांव का कोई भी काम हो, हर काम में अपनी टांग घुसाते हैं। करेंगे क्या, काम धंधा कुछ है नहीं, खाली बैठे हैं सब, इनको राजनीति ही चला रही। जीजा जी, इसको राजनीति चलाना नहीं झक मारना कहते हैं। अरे इन गांव वालों की तो आदत ही हो गई है, ना खुद आगे बढ़ेंगे और ना दूसरों को बढ़ने देंगे। अपने शहर वालों को देख लो, कौन क्या करता है किसी को जानने की फुर्सत नहीं। जब से दामिनी सरपंच बनी है इस गांव में राजनीति कुछ ज्यादा ही हो रही है। वो लड़की भूखी शेरनी की तरह आपके पीछे पड़ गई है, अब आपको उससे बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। खामखा उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आप लोग, अरे चीटी है वो, मसल के रख दूं। रंजीत, एसडीएम अनीता कुमार उसको पर्सनली जानती है, और तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना, तुम्हें पुलिस घर से उठा के ले आएगी। कोई कदम उठाने से पहले मुझसे पूछ लेना। वो लड़की तो भूखी शेरनी की तरह आपके पीछे पड़ गई है, अब आपको उसे बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। क्या दीदी, आप भी झूठ मूठ का उसको भाव दे रही हैं। इससे छिपकली से ज्यादा कुछ नहीं है, अगर झपट पड़ू ना तो दुम दबा के भागेगी। मेरा बस चले तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊं, एक नंबर की दुश्मन है वो मेरी। तो जब भी उसे देखती हूँ मेरा तो खून खोल उठता है। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, सफल होना है तो कूल रहना पड़ता है। गुस्सा तो इस लड़की की नाक पर रहता है, जितना मर्जी मैं इसको समझा लूं, लेकिन ये मानती कहां है। मम्मी, वो गब्बर वाला डायलॉग सुना है आपने, जो डर गया सो मर गया। डायलॉग से नहीं, गब्बर के जो डर गया से मर गया, तो फिर क्यों गई थी उसके पास माफी मांगने। मम्मी, आदमी के अंदर शेर जैसी ताकत और लोमड़ी जैसी मक्कारी होनी चाहिए। जब जैसा माहौल हो वैसा रूप ढाल लेना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी काफी समझदार हो गई है। वैसे भी जिंदगी में कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, दुनिया से छीनना पड़ता है। पापा ने ठीक कहा, अब तो मुझे अजय को उस दामिनी से छीन कर ही हासिल करना होगा। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस से बहुत काम है। नहीं नहीं रुकिए, आज आप ऑफिस मत जाइए। वो क्या है ना, आज मेरी दाहिनी आंख बहुत फड़क रही है, मुझे लगता है कि आज आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। वैसे भी वो दामिनी भूखी शेरनी बनकर आपके पीछे पड़ी है। जिसका भाई बंदूक फड़काता हो उसकी बहन आग फड़कने से डर रही है। वैसे भी शेर के पीछे एक शेरनी ही पड़ेगी, गीदड़ तो पड़ेंगे नहीं। अरे दीदी आप निश्चिंत रहिए, मेरे रहते जीजा जी को टच तक नहीं कर सकता। अगर किसी ने जीजा जी पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो उसका हाथ काटकर फेंक दूंगा। उस जंगली बिल्ली के लिए आपकी बेटी काफी है पापा, उसका मुंह नोचने में मुझे बहुत मजा आएगा। लड़की हो तो लड़की जैसी रहो,
इन लोगों की संगत का असर तुम पर पड़ता जा रहा है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दीदी लड़की को अबला नहीं झांसी की रानी बनाओ। अरे कमजोरी से कभी किसी का फायदा हुआ है क्या? झांसी की रानी बनाओ तो वो दामिनी भी तो यही सब कर रही है, तो फिर तुम लोग क्यों परेशान हो? ओ ये दामिनी 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 का रट्टा लगाए रखते हो तुम लोग, मुझे नहीं सुनना, मैं जाता हूँ यहाँ से। अरे सुनिए। क्या दीदी? अरे रंजीत की बहन और जगदीश साहब जैसे शेर की बीवी होकर भी उस दामिनी से डर रही हो? अरे उससे डरना तुम्हें शोभा नहीं देता। वो क्या, पूरा गांव भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी घमंड की वजह से ना तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है अब तो तुम लोगों से कुछ कहना ही बेकार है और यहां रुकना भी बेकार है। चल दिब्बी। अरे दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी दीदी को पता नहीं ना जाने क्या हो गया, उस दामिनी को ही देवी समझने लगी। क्या हुआ जीजा जी, अपने गाड़ी रोकने को क्यों कहा? इन तीनों को चाप कर मार डालने को क्यों नहीं कहा? अरे पागल हो गए हो क्या? कभी भी अकल की बात किया करो। इनको जान से मार के जेल जाना है क्या तुम्हें? कभी सोचना भी मत, इन्हें जान से नहीं बाद में तड़पा तड़पा के मारेंगे। इसीलिए तो जीजा जी अभी तक सिर्फ माधव को ही मारा है, अब सुलेमान और अजय की बारी है। अरे चुप कर, अब बाद में देखेंगे, पहले मुझे ये देख लेंगे। क्या बात है क्या बात है। राजकुमारी साहिबा, मेरा मतलब है मैडम सरपंची। हम तो जनता के सेवक हैं जगदीश राज। और हाँ, ये राजकुमारी कहलाने का हमें कोई शौक नहीं। और हाँ, हम सामंती सोच के खिलाफ हैं। ये बात कान खोलकर सुन लो। हम गरीब हो सकते हैं, लाचार हो सकते हैं, मजबूर हो सकते हैं, लेकिन लुटेरे नहीं। तुम्हारी तरह किसान बहनों और भाइयों की जमीन हड़पने का पाप हम कभी नहीं कर सकते। ओ दामिनी मैडम, इलेक्शन खत्म हो चुका है, तो ये जो अपनी भाषणबाजी है वो बंद कर दो तो अच्छा रहेगा। यही बात तो हम तुम्हें समझा रहे हैं, बेशक हम लोग चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, लेकिन दुश्मन नहीं है। हमें पुरानी बातें भूलकर गांव के विकास के लिए आपसी भाईचारा और प्रेम से काम करना चाहिए। तो आप लोग तो उल्टा गुंडागर्दी पे उतर आए, अब किसानों को मारने पीटने लगे हैं आप लोग। ये सुलेमान नहीं, ये माधव का दर्द बोल रहा है। जाकर उससे पूछो कि मेरे मॉल बनाने में रोड़ी क्यों जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं माधव भैया से कुछ क्यों पूछूं? ये उनकी जमीन है, वो दे ना दे ये उनकी मर्जी है, तो क्या उनकी जमीन जबरदस्ती ले लोगे? ये एक माधव की कहानी नहीं है, बल्कि गंगापुर के सभी किसानों की तरफ से बोल रही हूँ मैं, जिनकी जमीन तुम छीनना चाहते हो। मुझे रोना नहीं है, रुलाना है। मैंने जिंदगी में रोना नहीं सीखा, रुलाना सीखा है। भाभी माधव भैया जैसे ही घर आए उन्हें हमारे पास भेजिएगा, मैं
एसडीएम साहिबा से उनके बारे में बात करूंगी। जब आपको पता है पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो आप फिर यहाँ पर क्यों आई? अपने हिसाब से निपटा लीजिएगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो आप हमें कानून सिखाएंगी? नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।